प्रदेश की महिलाएं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आशा भरी निगाहों से देख रही है। बीजेपी सरकार से पाना चाहती है छुटकारा। देश व प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का इंजन हुआ फेल, धू-धू कर चल रहा। आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व MLC लीलावती कुशवाहा ने सेक्टर 29 स्थित मीडिया क्लब में पत्रकार वार्ता की और कहा कि प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार फेल हो चुकी है और इंजन धू-धू कर चल रहा है। वहीं बताया कि प्रदेश की महिलाएं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आशा भरी निगाहों से देख रही है और बीजेपी से छुटकारा पाना चाहती है। रही बात कांग्रेस की, तो उनका अब बचा ही क्या है, हर तरफ समाजवादी का बोलबाला है। लीलावती कुशवाहा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हाथरस में एक बेटी का रेप होता है और पुलिस प्रशासन रात के अंधेरे में बेटी को जला देता है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में अग्रणी बना हुआ है। सपा सरकार में डायल 100 वुमेन पावर लाइन, 1090 महिला पेंशन, पढ़े बेटियां बड़े बेटियां सहित तमाम काम किए। सपा सरकार आई तो 300 यूनिट बिजली फ्री और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए, 200 रुपए समाजवादी पेंशन महिलाओं के लिए, 50,000 कन्या विद्याधन, 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट में नौकरी, साइकिल से एक्सीडेंट होने पर 5 लाख रुपए सहित तमाम विकास की योजनाएं लाई जाएंगी। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता से पहले सेक्टर 45 स्थित सदरपुर गांव में महिला सम्मेलन हुआ, जिसमें महिलाओं द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। महिला सभा पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया कि गांव-गांव और सेक्टर सेक्टर जाकर सपा सरकार की नीतियों से जनता को अवगत कराए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ग्रामीण महेंद्र यादव, महासचिव एवं प्रवक्ता राघवेंद्र दुबे, महिला सभा ग्रामीण अध्यक्ष सविता गुलाटी सहित सपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी ने महिलाओं को 12,000 में इज्जत घर दिए हैं, वो भी बिना पानी के। कैसा महिलाओं के साथ सरकार ने मजाक किया है। हमारी सरकार बनी तो हम शौचालय के लिए 50,000 रुपए देंगे और उसमें पानी भी साथ में देंगे। क्या कार्यक्रम रहा, महिलाओं की कितना योगदान रहेगा मैडम? ये हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी हमारे हैं और हमारे एक सारे हमारे प्रदेश की भी महिलाएं आई हैं, महासचिव जी भी हैं। तो आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के महिला जागरूकता कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत शानदार हुआ और महिलाएं बहुत ही खुश हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देख रही है। कब इस सरकार से छुटकारा मिले, महंगाई से त्रस्त हैं महिलाएं और इतनी महंगाई कभी सपने में भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि सरसों का तेल 230 रुपये लीटर बिकेगा, डीजल 100 पार कर जाएगा, पेट्रोल 100 पार कर जाएगा, कभी कल्पना नहीं था। गैस सिलेंडर आज 1,000 रुपया है। आम चीज़ें इतनी महंगी कि बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, घर परिवार चलाना परेशान है। तो आप सोचिए ना, और ये सरकार कहती है कि हमने महिलाओं को इज्जत घर दिया। आप बताइए वो कौन सा इज्जत घर है कि 12,000 में इज्जत घर बना है, कौन सा इज्जत घर, कहीं समीक्षा कर दीजिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कि 12,000 में शौचालय बन सकती है, ये तो खुला मजाक महिलाओं के साथ किया गया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सरकार 2022 में बनेगी, 50,000 रुपया शौचालय को दिया जाएगा, जिसमें पानी भी दिया जाएगा। इस सरकार ने 12,000 में शौचालय दिया, पानी दिया नहीं, तो क्या पानी नहीं चाहिए क्या महिलाओं को? पानी कहाँ से आएगा, पानी कैसे भरा जाएगा? आने वाले समय में क्या अखिलेश यादव की रथ यात्रा नोएडा भी पहुँचेगी? जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी जिलों में जा रहे हैं और निश्चित तौर से यहाँ भी आएंगे और पूरा प्रदेश उनको चाह रहा है और पूरा प्रदेश इस सरकार को हटाना चाहता है, जनता इसको बदलना चाहती है। ये डबल इंजन की सरकार से जनता उग चुकी है, इंजन इनका फेल हो चुका है, धू धू कर रहा है और धू धू करके अब बंद होने वाला है। कितने प्रियंका गांधी महिला केंद्रित राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी कितने परसेंट महिला को सीट देगी? अब देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता जी ने तो पंचायत चुनाव में 33% का आरक्षण दिया था महिलाओं को, विधानसभा मैं बता रही हूँ सबसे ज़्यादा। और ये सवाल तो आपको सत्ता दल से करना चाहिए जो डबल इंजन की सरकार है, कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें, ले आए और वो जिस तरह से पंचायत चुनाव में आरक्षण तो कर रहे हैं 50% आरक्षण, उसी तरह से करें जिस तरह से पंचायत चुनाव में है, हमारी पार्टी देगी। जिनके पास कोई जमीन
और जिस तरह से महिलाएं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देख रही है पूरे प्रदेश कि आप किस चीज़ से परेशान हैं। महिलाओं ने महंगाई की बात रखी कि महंगाई से ज़्यादा परेशान हम लोग हैं, घर संभल नहीं रहा। प्रदेश में उनका क्या है, कुछ जब जमीनें नहीं है तो पूरा आसमान बेच लो, हम पूरा सब्जी दे दें, जब कुछ हो तो कुछ बात करें। हमारी समाजवादी पार्टी महिलाओं को ज़्यादा टिकट भी मिलेगा और सम्मान भी है, इज्जत भी है। और समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई 40% से ज़्यादा सीटें मिलेगा, जब भी सत्ता में आई है समाजवादी पार्टी जो सबसे ज़्यादा अगर कार्य हुआ है वो आधी आबादी के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, माननीय नेताजी ने किया है और कभी कोई नहीं कर पाया। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या हालात है बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ किस तरह से बर्बरतापूर्वक उनको लाठियां भाजी जा रही हैं, मारी जा रही हैं, उनको सड़कों पर घिसराया जा रहा है, सड़कों पर बेइज्जत किया जा रहा है। तो ऐसी सरकार से महिलाएं निजात चाह रही हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।